मुंडका से धर्मपाल लाकरा चुनाव लड़ेंगे, किरारी से ऋतुराज झा को मौका दिया गया है, सुल्तानपुर माजरा से मुकेश कुमार अहलावत को मौका मिला है, नांगलोई जाट से रघुविंदर शौकीन को मौका मिला है, मंगोलपुरी से राखी बिरलान को मौका मिला है। इस सीट से राखी बिरलान लगातार चुनाव लड़ती रही हैं। रोहिणी से राजेश नामा बंसीवाला को मौका मिला है, शालीमार बाग से वंदना कुमारी चुनाव लड़ेंगी, शकूर बस्ती से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चुनाव लड़ेंगे, त्रिनगर से जितेंद्र तोमर को मौका मिला है। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के विवाद में आ गए थे, इस कारण उन्हें आम आदमी पार्टी के मंत्री परिषद से हटना भी पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, वजीरपुर से राजेश गुप्ता को मौका दिया गया है, मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में हैं, सदर बाजार से सोमदत्त मैदान में हैं, चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह को टिकट मिला है, यानी कि चांदनी चौक से जो बात चल रही थी चांदनी चौक से, इससे पहले अलका लामा ने आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था लेकिन वो अब कांग्रेस के दामन में है। मटिया महल से शोएब इकबाल को टिकट मिला है, शोएब इकबाल के नाम पर काफ़ी चर्चा चल रही थी, काफ़ी विवाद भी हुए थे कि आखिर शोएब इकबाल को मौका क्यों दिया गया। बल्ली मारन से इमरान हुसैन मैदान में है, करोल बाग से विशेष रवि मैदान में है, पटेल नगर से राजकुमार आनंद को टिकट दिया गया है, मोती नगर से शिवचरण गोयल मैदान में है, माधीपुर से गिरीश सोनी को मौका दिया गया है, रजौरी गार्डन से धनवती चंदेला को मौका मिला है, हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लन को टिकट दिया गया है, तिलक नगर से जरनैल सिंह मैदान में है, जनकपुरी से राजेश ऋषि को मौका मिला है, विकासपुरी से महेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, उत्तम नगर से नरेश बाल्यान को मौका मिला है, द्वारका सीट से विनय कुमार मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, मटियाला से गुलाब सिंह यादव, नजफगढ़ सीट से कैलाश गहलोत को मौका मिला है, कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री भी हैं आम आदमी पार्टी सरकार में, बिजवासन से बी एस जून को मौका मिला है, पालम से भावना गौर मैदान में है, दिल्ली कैंटोनमेंट से वीरेंद्र सिंह कादियान को मौका मिला है, राजेंद्र नगर सीट से राघव चड्ढा को मौका मिला है, राघव चड्ढा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से अपनी जो राजमाइश की थी लेकिन उन्हें वहां हार मिली थी। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ताल ठोकेंगे और जंगपुरा सीट से बात की जाए तो प्रवीण कुमार मैदान में है, कस्तूरवा नगर से मदन लाल मैदान में है, मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है, मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और वो लगातार जीतते भी आ रहे हैं, आर के पुरम से परमिला टोकस को टिकट मिला है, मेहरोली से नरेश यादव को टिकट दिया गया है, छतरपुर से करतार सिंह तवर को मौका मिला है, देवली से प्रकाश जारवाल को मौका मिला है, प्रकाश जारवाल बहुत ही कम उम्र के युवा विधायक थे जो पिछली बार जीते भी थे, अंबेडकर नगर से अजय दत्त को मौका मिला है, संगम विहार से दिनेश मोहनिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को मौका दिया गया है, सौरभ भारद्वाज पहले भी चुनाव यहाँ से जीते हैं और उन्हें फिर से यहाँ से मौका मिला है, कालका जी से आतिशी मरलेना को मौका मिला है, ये जो सीट है इस पे अवतार सिंह जो विधायक हैं उनका टिकट कट गया है, आतिशी इससे पहले ईस्ट दिल्ली से भी चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, तुगलकाबाद से सहीराम पहलवान को मौका दिया गया है, बदरपुर से राम सिंह नेताजी को टिकट दिया गया है, राम सिंह नेताजी को अभी हाल में आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, यहाँ से जो स्टैंडिंग विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है, ओखला से अमानतुल्ला खां को मौका मिला है, त्रिलोकपुरी से रोहित कुमार मेहरोलिया को टिकट मिला है, कोंडली से कुलदीप कुमार मोनू को मौका मिला है, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को मौका मिला है, यानी डिप्टी सीएम फिर से पटपड़गंज से भाग्य की आजमाइश करेंगे, लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी मैदान में है, विश्वास नगर से दीपक सिंगला मैदान में है, कृष्णा नगर से एस के बग्गा मैदान में है, कृष्णा नगर वही सीट है जहां से पिछली बार भाजपा की सीएम चेहरा रही और किरण बेदी उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार मिली थी, गांधीनगर से नवीन चौधरी दीपू को मौका मिला है, शाहदरा से रामनिवास गोयल मैदान में है, सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम मैदान में है, रोहतास नगर से सरिता सिंह को मौका मिला है, सीलमपुर से अब्दुल रहमान को मौका मिला है, घोंडा सीट जो है वहां से एसडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे, बाबरपुर सीट से गोपाल राय मैदान में है और गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, गोकलपुर से चौधरी सुरेंद्र कुमार मैदान में है, मुस्तफाबाद से हाजी यूनिस चुनावी मैदान में है, वहीं करावल नगर से दुर्गेश पाठक